दिल्ली के तिलक नगर में पंजाबी गाने ब्लैक हुडी का पोस्टर लॉन्च कर यूट्यूब पर वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया गया। गायन जैस्मिन जैस का पहला गाना काफी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जैस्मिन पंजाबी समुदाय से आती हैं, वहीं सभी पंजाबी लोगों ने जैस्मिन के ब्लैक हुडी गाने को अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देकर हौसला अफजाई की है। गाने को डायरेक्ट करने वाले प्रतीक सिंह ने बताया कि गाने का वीडियो बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, जो लोगों को बेहद अच्छा लग रहा है। बताइए आप जैस्मिन, कैसा लगा आपको आज आपका गाना लॉन्च हुआ? I'm बहुत ज़्यादा खुश हूँ। I'm very happy to be here in front of all of you and exciting also to get the response of the audience। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इस गाने को लेकर आपका? एक्साइटिंग सीखा, बहुत कुछ नवा सीखने को मिला इस जर्नी तो, नवे म्यूजिक के वेरिएंट सीखने को मिले कि कितना गाना रिकॉर्ड होने की चीज़ें होती है, सारा प्रोसेस पता लगा। ब्लैक हुडी टाइटल कैसे डिसाइड हुआ आपको? ब्लैक हुडी आज गाने की मेन लाइन है, काली हुडी बाकी विच बैठ जाते, सो वी डिसाइडेड टू गो विद दैट। दो बोल गाना दे भी गा दो एक बारी। जगतावे एटीट्यूड रखदा, तू रूडली सुभा दा का तू मूड रखदा, मैं सुनया इने चिर वी कब्बा सोनिया, जिथे दे दवे जवान थुक के नी जटदा, तेरी लाइफ विच एडजस्ट होना पौंदी है स्कीमा हुण नित नारवे, काली हुट्टी पाके विच बैठी कार दे, मेरे वल वी तां नजर तुमार। थैंक यू जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना और फिर गाने के बारे में थोड़ा सा। So my name is Prateek Singh. I'm the video director of this whole video. And Jasmine is our main lead and the main singer. So Jasmine ने बहुत अच्छा perform किया गाने में, बहुत अच्छा गाना, मतलब video में मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बनाया गाना और इन्होंने बहुत अच्छा गाया, music बहुत अच्छा था, मतलब everything was very nice and everyone was so cooperative. बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। गाने को पोस्ट किया है, साइड सेम होते हैं, सीड होती है, डायरेक्शन होती है, उसमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या शॉर्ट सीन है और क्या डायरेक्शन, किस तरीके से गाने को लॉन्च किया है, इसको स्क्रिप्ट किया है और मतलब हमें इसको स्क्रिप्ट लिखते हुए 3 से 4 दिन हमने इसको स्क्रिप्ट दिए, उसके बाद 3 से 4 दिन वीडियो, मतलब होल प्रोडक्शन, पहले हमने कुछ स्टूडियो में शूट किया है, कुछ हमने आउटडोर लोकेशन पे शूट किया है, जैसे दिल्ली में काफी सारी अच्छी लोकेशन पे शूट किया है, कैफेज वगैरह पे शूट किया है, तो मतलब हर जगह का अपना एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा।